चलो, तो आप सभी को पता है हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे हैं, है ना, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास की बात की जाए तो लास्ट क्लास में तीन चीज पढ़ाया गया था, है ना, वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में पढ़ाया गया था। उसके बाद चाप के बारे में और वृत्तखंड के बारे में पढ़ाया गया था। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त का तल, आप लोग ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, आपसे मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर मैं किसी भी वृत्त को किसी तल पर बनाऊं, मतलब किसी भी सरफेस पे बनाऊं, आपके कॉपी के पेज पर बनाऊं, तो वह आपके कॉपी के पेज को कितने भाग में डिवाइड करेगा, कितने भाग में विभाजित करेगा, ये आपको आंसर देना है। चैट में बताओगे कितने भाग में बांटेगा, एक भाग में, दो भाग में या तीन भाग में, ये बताओगे। पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, अगर मैं कोई एक वृत्त बनाऊं तो किसी भी तल को कितने भाग में विभाजित करेगा, पहले ये बताओ। दो भाग, एक आंसर आया है, दो भाग, दो भाग, ठीक है, और भी लोग बताओ। अब देखो, मेरा क्या आंसर है, मैं कह रहा हूं तीन भाग में विभाजित करेगा, और ये लास्ट क्लास में ही पढ़ाया गया था, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनेंगे, मैं समझा रहा हूं सारी चीज। तो आंसर क्या होगा, तीन भाग होगा। चलिए, क्या पूछा गया था यह भी समझाते हैं। कोई भी कॉपी का पेज है, कोई भी सरफेस है, उस पे अगर हम एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, मान लो यह आपका एक कॉपी का पेज है, ये वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो इस कॉपी के पेज को कितने भाग में बांटा, तो पहला भाग होगा इसके अंदर का भाग। देखो, अगर मैं एक बिंदु P बना रहा हूं, तो बिंदु P इस वृत्त के अंदर है या बाहर है, पहले ये बताओ, बिंदु P वृत्त के अंदर है या बाहर है, चैट में लिखकर बताओ। तो आप बोलोगे बिंदु अंदर P, अच्छा चैट में लिखना है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, पूरे क्लास को आप डिस्टर्ब करते हो, अगर कोई भी एक बच्चा अपना माइक ऑन करता है पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है ना, तो आपको हमेशा पता है आपको चैट में लिखना है। तो बिंदु P कहोगे वृत्त के अंदर है, तो उसे ही हम कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर वाला भाग, है ना, तो अभ्यंतर का भाग, तो यह भाग पूरा हो जाएगा अभ्यंतर, ठीक। अब बिंदु Q के बारे में आप क्या बोलोगे, बिंदु Q जो है वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है, बाहर में स्थित है ना, तो कहेंगे दूसरा भाग जो होगा बहिर्भाग होगा, बाहर वाला भाग होगा, यानी एक्सटेरियर होगा, है ना, दूसरा भाग होगा एक्सटेरियर। तो दो भाग तो यहाँ आप सभी को पता होता है कि एक अंदर का भाग, एक बाहर का भाग, है ना, एक भाग आप लोग भूल जाते हो, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है, कभी भूलना नहीं है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि वृत्त किसी भी तल को कितने भाग में बांटेगा, तो आपका आंसर होगा तीन भाग, और तीसरा भाग कौन सा होता है, वृत्त खुद होता है, मतलब अगर मैं कोई एक बिंदु यहां पर बनाऊं, बिंदु एस, तो आप बताओ यह जो बिंदु एस है वृत्त के अंदर दिख रहा है क्या, हाँ या ना, बताओ बिंदु एस वृत्त के अंदर है, हाँ या ना, नहीं अंदर नहीं है, बाहर है क्या, तो आप बोलोगे बाहर भी नहीं है, ठीक है, तो ना ही अंदर है ना ही बाहर है, ठीक है, वृत्त पर स्थित है ना, तो आप बोलोगे बिंदु एस जो है वृत्त पर स्थित है, ठीक है, तो तीसरा भाग वो वृत्त होता है, ठीक है, बीच में नहीं बोल सकते, बीच में नहीं बोला जा सकता, आप कहोगे वृत्त पर ही स्थित है, बीच में कहने का मतलब अंदर हो जाएगा ना, तो बीच में नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहेंगे, वृत्त का अभ्यंतर होता है, वृत्त का बहिर्भाग होता है, और एक भाग वृत्त ही होता है। तो आपसे कभी भी मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, ये सारी चीज को मिटाकर मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, आपके एग्जाम में आता है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, फिर से इतनी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो बिंदु नहीं सॉरी, कोई भी वृत्त किसी भी तल को कितने भाग में बांटता है, तो किसी भी तल को तीन भाग में बांटता है, तो एक होता है वृत्त के अंदर का भाग जिसे हम कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर, एक होता है वृत्त के बाहर का भाग जिसे बहिर्भाग, जिसे इंटीरियर और एक्सटीरियर कहते हैं, तीसरा भाग वृत्त खुद होता है, ठीक है, तीसरा भाग वृत्त होता है, ठीक। चलिए, इसके आगे में पढ़ना है दीर्घ एवं लघु चाप, तो यह भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, अगर हम कोई एक वृत्त बना ले, ठीक है, अगर कोई एक वृत्त बना ले तो इस वृत्त पर कोई भी दो बिंदु के बीच का जो भाग होगा, ठीक है, दो बिंदु ले लिया गया, बिंदु P और बिंदु Q, तो इन दोनों बीच, बिंदु P और बिंदु Q के बीच में जो वृत्त का भाग दिख रहा है, एक भाग तो यह दिख रहा है, ठीक है, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे, इस भाग को हम चाप कहेंगे, ठीक है, इस भाग को हम चाप कहते हैं। उसी तरीके से जो नीचे की तरफ जो भाग दिख रहा है इसे भी हम चाप कहेंगे, यह भी वृत्त का भाग है। अब अंतर क्या है,
एक काले कलर का जो भाग दिख रहा होगा वो छोटा दिख रहा होगा, और जो लाल कलर का जो भाग दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है ना। तो बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे? बड़े वाले भाग को दीर्घचाप कहेंगे और छोटे वाले भाग को लघुचाप कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बड़े आर्क को मेजर आर्क और छोटे वाले को माइनर आर्क बोलेंगे, है ना। ये समझ में आया? ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो चाप इस तरीके से, और लिखने का तरीका भी आपको बताया गया था कि अगर लघु चाप को लिखना है तो ऐसे लिख देना, और दीर्घ चाप को लिखना है तो एक बिंदु बनाना इस पे और बोलना पी आर क्यू, लिखकर इस तरीके से चिन्ह लगाओगे। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। अब देखो इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड। तो इसको सारी चीजों को मिटा के हम लोग वृत्तखंड समझते हैं, ठीक है। देखो जब भी वृत्तखंड वर्ड सुनो ना, तो वृत्तखंड वर्ड से आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला एक चीज दिमाग में आना चाहिए, जीवा और चाप। क्या क्या लिखा गया? जीवा और चाप। तो जीवा और चाप क्यों लिखा गया? परिभाषा अगर आपने नोट किया होगा पिछले क्लास में, तो आपको यह बताया गया था जीवा और चाप के मध्य का जो भाग होगा, मतलब जीवा और चाप से जो भाग घिरा होगा उसे ही वृत्तखंड कहते हैं। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम एक वृत्त बना ले, तो इसमें अगर हम एक जीवा बनाते हैं, तो जीवा भी आपको पता है इस तरीके से जीवा बनता है। तो यह एक जीवा है ना, और इस भाग को हम चाप कहेंगे, ठीक है। ये जो अभी हरे कलर का मैं दिखा दे रहा हूँ, दो बिंदु के बीच वृत्त का जो भाग आपको हरे कलर का दिख रहा है, तो इस वाले भाग को आप चाप कहोगे। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है जीवा और चाप के बीच वाला, तो इस भाग को आप क्या कहोगे? इस वाले भाग को आप वृत्तखंड कहते हो, वृत्त खंड, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे हम सेगमेंट कहते हैं। इतना समझ में आया? सेगमेंट कहते हैं किसे? चाप और जीवा के बीच के भाग को। चलिए अब इस भाग को आप अगर देखो, तो इस भाग को आप बोलोगे यह भी तो सर हमें वृत्तखंड दिख रहा है, क्योंकि यह भी एक जीवा और एक चाप से ही घिरा हुआ भाग है। तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, यह भी हमारा वृत्तखंड होगा। अब अंतर क्या दिख रहा है? एक भाग छोटा एक भाग बड़ा। तो आप कहोगे जो भाग आपको छोटा दिख रहा है उसे आप लघु वृत्तखंड कह दो, है ना। उसे आप लघु वृत्तखंड कहोगे यानी माइनर सेगमेंट कहोगे, और जो भाग बड़ा दिख रहा है उसे आप दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट कहोगे, ठीक है। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी ना, हाँ या ना एक बार रिस्पॉन्ड करो। तो मेजर एंड माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं, दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं, ये आपको लास्ट क्लास तक पढ़ाया जा चुका है ना। इतना तक लास्ट क्लास में पढ़ाया गया। चलिए ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं जो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, और एक रिकॉल क्वेश्चन होगा बिल्कुल आसान सा, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि बस आपको आंसर करना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये सही है या गलत है, ठीक है। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूँ, पोल सेक्शन में अभी एक क्वेश्चन करना है। चलिए तो अब पोल में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो बताइए कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में विभाजित करता है, यह सही है या गलत है? यह जो कथन है सही है या गलत है, सत्य या असत्य, ट्रू या फॉल्स करना है। अच्छा जितने बच्चे ज्वाइन हो आंसर जरूर किया करो, पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया करें। अच्छा 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 4 3 2 1। चलिए अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, और अब आप चैट में भी आंसर लिख सकते हो, या कोई भी डाउट हुआ तो चैट में आप पूछ सकते हो। देखिए तो क्या लिखा गया है, वृत्त का जो व्यास होगा वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में विभाजित करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, वृत्त का व्यास बनाते हैं,
तो अभी क्लास शुरू करने के पहले भी अभी व्यास के बारे में बताया जा रहा था, है ना। तो अगर हम एक वृत्त बना ले, ठीक है, ये आपको कुछ वृत्त के जैसा दिख रहा है ना, तो यह वृत्त है। अब वृत्त का व्यास बनाते हैं, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो इसके केंद्र से होकर जाएगी, तो हम कहेंगे ए बी जो है यह हमारा वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, जो इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। चलिए, तो यह ऊपर का जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला पहला भाग और ये दूसरा भाग, ये दोनों भाग बराबर होंगे या नहीं होंगे, पहले ये बताओ। पहला भाग और दूसरा भाग बराबर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, यह तो आपको पता है, कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमें पता चल गया, यहां से हमें ये तो पता चला कि यह तो बिल्कुल सही है कि बराबर भागों में तो बांटेगा। अब क्या ये दोनों वृत्तखंड है, पहला भाग और दूसरा भाग दोनों ही वृत्तखंड है क्या, हाँ या ना, ये भी आप ही लोग आंसर करो, पहला भाग और दूसरा भाग वृत्तखंड है क्या। अच्छा, एक आंसर आया है नो, तो आंसर तो होगा हाँ, ये वृत्तखंड है। देखो, अच्छा, कुछ लोगों के आंसर नो इसलिए क्योंकि उनको लग सकता है ये तो अर्धवृत्त है। तो देखो, चलिए पहले समझ लेते हैं, अभी कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, ठीक है। अब मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं। अब देखो, यह जो भाग है, पहले मैं सिर्फ इस भाग को देख रहा हूं, ठीक है, पहले इस भाग को देख रहा हूं। तो वृत्तखंड के बारे में आपको क्या पढ़ाया गया, वृत्तखंड के बारे में आपको यही ने बताया गया कि यह जीवा और चाप के बीच का भाग होगा। तो ए बी को हम जीवा नहीं कह सकते क्या, ए बी एक जीवा है, दो बिंदु के बीच वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लो, तो उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उसको मिलाने वाले रेखा को उनको जीवा कहते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे यह तो व्यास है, तो इसका आंसर क्या होगा, जितने भी व्यास होते हैं वो एक तरीके का जीवा भी होता है, ये याद करो। अगर मैं आपको यह पढ़ा रहा था, कह रहा था कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, बार बार आपको यही कहा गया, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे ही व्यास कहते हैं, ठीक है। तो व्यास जो होगा एक प्रकार का जीवा भी है ना। और यह जो ए बी है, यह दो बिंदु के बीच वृत्त का एक भाग है, तो इसे हम कह सकते हैं एक चाप भी है ना। तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, यह एक वृत्तखंड भी है ना, यह एक वृत्तखंड है, ठीक है, यह एक वृत्तखंड है। अब अगर ऊपर वाला एक वृत्तखंड है तो नीचे वाला भाग भी एक वृत्तखंड हो जाएगा, है ना, तो यह भी एक वृत्तखंड होगा, ठीक है। तो ये दोनों वृत्तखंड है और दोनों ही भाग बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ, वृत्त का व्यास जो होगा वृत्त को दो बराबर वृत्तखंड में बांटेगा, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही है, ये समझ में आया या नहीं, सही समझ में आया, चैट में लिखोगे, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, और कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप एन लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजों को मैं मिटा के, अच्छा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं वृत्तखंड के जगह पर यह लिख देता अर्धवृत्त तो भी सही होता है ना, तो ये भी लिखना सही होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, काफी लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर अर्धवृत्त में विभाजित करेंगे, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। और अगर मैं बोलूं वृत्त का व्यास वृत्त के दो बराबर वृत्तखंड में विभाजित करेंगे, तो भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जितने भी अर्धवृत्त होंगे वह एक प्रकार का वृत्तखंड ही है, ठीक है। ठीक है, आंसर काफी लोगों के सही थे, ठीक है, आंसर सही था, बिल्कुल सही बात है। चलो, इतना समझ में आ गया ना ये सारी चीजें, ये समझ में आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, आज के फर्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है, अब तक देखो हमने क्या पढ़ लिया, चाप पढ़ लिया है ना, चाप पढ़ लिया, चाप दो प्रकार के होते थे, एक लघु एक दीर्घ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने वृत्तखंड पढ़ा है ना, वृत्तखंड यानी सेगमेंट, यह भी सेगमेंट क्या था, दो तरह का, एक लघु एक दीर्घ। हर बार आपको बताया जा रहा है, जो छोटा भाग होगा उसे लघु बोलोगे, जो बड़ा भाग होगा उसे दीर्घ कहोगे। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्यखंड है, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही में आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, त्रिज्यखंड कितने प्रकार के होंगे, तो जैसे चाप दो प्रकार के थे, वृत्तखंड दो प्रकार के थे, तो त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा लघु त्रिज्यखंड, एक होगा दीर्घ त्रिज्यखंड।
अब आपको इतना पता है कि छोटे वाले को लघु बोलेंगे, बड़े वाले को दीर्घ बोलेंगे, है ना। तो पहले लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड को समझने के पहले हम लोग त्रिज्यखंड को समझ लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है ना। तो देखो यहाँ क्या लिख रखा है, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाले त्रिज्या एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट से हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो आपको, है ना। तो इसके लिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो पहले इसको समझने के लिए एक वृत्त बना लेते हैं, तब तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर एक वृत्त दिख रहा है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करें, एक चाप, देखो क्या बोला गया है, बोला गया कि एक चाप के सिरों से, तो पहले एक चाप बना लेते हैं, तो दो बिंदु ले लिया, इन दो बिंदु के बीच बीच का जो भाग होगा इसे ही हम चाप कहते हैं। ये दो बिंदु को मैंने पी क्यू लिख दिया, तो इस भाग को आप क्या कहोगे, इस भाग को आप चाप कहोगे, है ना। ये भाग को आप चाप कहोगे, पी क्यू क्या है, पी क्यू एक चाप है। अब चाप को हम क्या कर रहे हैं, इसका एक सिरा पी है, एक सिरा आपको दिख रहा है पी, और इस चाप का दूसरा सिरा जो है क्यू, इन दोनों सिरा को हम त्रिज्या से मिला दें। त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी होती है, मतलब वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलोगे। तो ये दोनों लाइन जो दिख रहा है इसे आप त्रिज्या बोलोगे, है ना। यह त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है। इतना सारी जो जो भी बात अब तक बताई गई है समझ में आया, त्रिज्या चाप सारी चीज समझ में आई यहां तक, ठीक है। तो दो, ठीक है, तो इस वाले भाग को, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इस वाले भाग को ही हम त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। यह जो भाग आपको दिख रहा है यह त्रिज्यखंड कहलाएगा। यह समझ में आया या नहीं आया, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, यह समझ में आया, ठीक है। एक और उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। अगर हम एक वृत्त बना ले, इसमें दो त्रिज्या बना ले, ठीक है, दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये दिखा, दूसरा त्रिज्या ये दिखा। अब दो त्रिज्या और एक चाप, ये वाला चाप, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो भाग होता है, ठीक है, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, यह क्या है, चाप है। तो इस वाले भाग के बारे में आप क्या बोलोगे, यह जो भाग है, देखो इस भाग को बोलोगे दो त्रिज्या, इस तरीके से आप लिख भी लेना, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा भाग है। तो क्या कहोगे, दो त्रिज्या और एक चाप से जो घिरा हुआ भाग होगा उसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने कॉपी में लिख लो, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो त्रिज्यखंड इसे ही कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, वो मिल जाएगी, ठीक है। चल ये समझ में आया ना, त्रिज्यखंड कहते किसे हैं। चल तो यहां से आप बोलोगे, सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा माइक नंबर, किसी का माइक ऑन है, ठीक है, किसी का माइक ऑन है, ठीक है, बुक मिली है तो अच्छी बात है, अच्छा चलो बुक मिल गई है, वेरी गुड, चलो ठीक है, माइक बंद रखें, चलो मिल गई ना, अच्छी बात है। चलो अब ध्यान से सुनेंगे, देखो इस वाले भाग को आप क्या कह रहे हो, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, ये तो बताया गया था ना, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। चलो अब ध्यान से देखो, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। अब मुझे ये बताओ, यहां से आप यह तो कह रहे हो कि चलो ठीक है, यह जो भाग है, यह वाला भाग हमारा त्रिज्यखंड होगा, ठीक है, जो लाल कलर का मैं रंग रहा हूं इसे तो आप कह रहे हो कि यह त्रिज्यखंड है। तो कहोगे सर ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो भाग मुझे दिख रहा है, यह वाला भाग, ठीक है, जिसे मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूं, ठीक है, यह जो भाग है, क्या यह भी त्रिज्यखंड होगा क्या, ठीक है। तो बोलोगे उसके अकॉर्डिंग तो यह भी त्रिज्यखंड होना चाहिए, क्योंकि यह जो भाग है आपको दिख रहा होगा दो त्रिज्या, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, और यह चाप है ना। आपको क्या बताया गया, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग होगा, तो यह भी भाग तो दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का ही भाग है ना। पहले ये बताओ, अभी कोई भी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, वरना मैं चैट को बंद कर दूंगा, ठीक है। आपको पढ़ाई के समय बस पढ़ाई करना है, स्क्रीन देखो अभी अपनी, ठीक है। पहले ये बताओ,
इस जो भाग की बात की जा रही है, इसे त्रिज्यखंड कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहोगे यह भाग भी तो दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे भी त्रिज्यखंड ही कहेंगे। ठीक है, तो यह त्रिज्यखंड कैसा होगा? यह दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। यह बड़ा वाला भाग है तो इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। इतना समझ में आया? चलिए तो और एक बार और इसे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड दो प्रकार के होंगे। चलो देखो, हमारे पास एक वृत्त है। अब इसको देखो, मैं दो त्रिज्या बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, एक त्रिज्या इस तरीके से, दूसरा त्रिज्या इस तरीके से। ठीक है, नाम दे दिया OA, OA और OB। तो OA क्या है? OA हमारा एक त्रिज्या है। OB क्या है? वो भी एक त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो इस वाले भाग को तो आप सभी लोग कह रहे हो कि हाँ ये हमारा तो त्रिज्यखंड है। ठीक है, क्योंकि यह त्रिज्यखंड के बारे में जब भी मैं आपसे पूछूं तो आपको यही देखना है। त्रिज्यखंड के बारे में जब भी पूछा जाए तो आपको देखना है दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो भाग होगा उसे ही हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये चीज को आपको याद रखना है। अब देखो इस वाले भाग को आप त्रिज्यखंड तो कह रहे हो, अब इस वाले भाग की हम बात करते हैं। ठीक है, ये वाला भाग जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, यह भाग हमारा त्रिज्यखंड है या नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए हम कहेंगे हाँ, यह जो भाग नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, यह हमारा तो दिख रहा है साफ साफ दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है। अब ऊपर का जो भाग है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा आपको, है ना? तो यह भी दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का ही भाग है, तो इस वाले को भी हम त्रिज्यखंड कहेंगे। अब देखो यह भाग छोटा दिख रहा होगा आपको, यह जो भाग है यह छोटा भाग दिख रहा होगा, तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड, है ना? इसे हम क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, हाँ वेरी गुड, अब तक तो आपने समझ लिया कि जो भी छोटा भाग होगा उसे लघु कह देंगे और जो बड़ा भाग होगा उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ये सारा चीज समझ में आया या नहीं आया इतना बताओगे? ये सारा चीज समझ में आ गया हाँ या ना? चैट में लिखकर बताओ। ठीक है, चलो ये चीज अगर समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब देखो इसको नाम देने के लिए सीखते हैं, मतलब इसका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो त्रिज्यखंड को आपको नाम भी देने के लिए सीखना है, मतलब अगर मैं इस तरीके से बना दूं ओ ए बी, अब अगर आपको इस लघु त्रिज्यखंड को दिखाना हो, लघु त्रिज्यखंड का आप नाम कैसे लिखोगे? तो अगर मैं लिखूं ओ ए बी ओ, देखो इस तरीके से नाम लिखते हैं, जहां से आप शुरू करोगे वहीं पर खत्म करो। त्रिज्यखंड में जहां से आप शुरू करोगे वहीं पर आपको खत्म करना है, तो ओ ए बी यू इस तरीके से आप कहोगे यह जो भाग है यह लघु त्रिज्यखंड को दर्शाता है। यह क्या भाग है? यह लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है, यह लघु त्रिज्यखंड है। ठीक है, ओ ए बी यू, देखो ओ से शुरू किया, पहले ओ लिया, फिर ए लिया, फिर ओ से बी की तरफ गया, फिर ओ पे गया, तो ये जो भाग आपको दिख रहा है इसे ही हम क्या कहेंगे? यह हमारा लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए से शुरू किया फिर ओ गया फिर बी लिखे फिर ए लिखे, यह भी लिखना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यह भी सही होगा, दोनों ही सही होगा, ए ओ बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं दीर्घ त्रिज्यखंड दर्शाना हो तो कैसे लिखेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड को कैसे लिखेंगे? देखो तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए एक बिंदु हम यहां पर बना देते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हो, कुछ भी आपको जो मन करता है वो नाम दे दो। तो यहां पर नाम मैंने दे दिया पी, मान लो नाम दे दिया। ठीक है, पी दे दिया, तो आप कैसे लिखोगे? ओ से शुरू करोगे अगर, तो ओ ए पी फिर बी फिर ओ, ठीक है, इस तरीके से दे। ठीक है, अच्छा सी भी दे सकते हैं, पी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, या कैसे दे सकते हैं इसका नाम? अगर मैं ए से शुरू करूं तो ए ओ बी पी ए, ये क्या भाग हो जाएगा? कुछ भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड।
ना, यह हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। ये समझ में आया ना किस तरीके से नाम देते हैं? नाम देने के लिए समझ में आ गया, तो त्रिजखंड को नाम किस तरीके से लिखते हैं? तो ये बड़ा वाला भाग को दीर्घ त्रिजखंड कह रहे हैं, छोटे वाले भाग को लघु त्रिजखंड कह रहे हैं। इतना समझ में आया? चलिए तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज अब तक पढ़ाई गई वो सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो सबसे पहले बताया गया त्रिजखंड होता क्या है, त्रिजखंड कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ त्रिजखंड, एक होता है लघु त्रिजखंड। दीर्घ त्रिजखंड बड़े वाले भाग को कहेंगे और लघु त्रिजखंड छोटे वाले भाग को कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, और आपको पता है पोल सेक्शन में ही क्वेश्चन आएगा, तो कब क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। ठीक है, तो चैट अभी बंद किया जा रहा है आपका, और पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा। चलिए तो पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में आपको, वृत्त के त्रिज्या और त्रिज्या से बनी हुई वृत्तखंड को पहचानना है, और उसका देखना है कि नाम आप किस तरीके से लिखोगे। तो त्रिज्यखंड को नाम आप किस तरीके से दोगे, यह भी आपको पूछा जा रहा है। चलिए तो अभी अभी आपको सिखाया गया, ध्यान से आंसर करने की कोशिश करो, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो जो भी अभी बताया गया आपने ध्यान से सुना होगा, तो काफी जल्दी से आप आंसर कर पाओगे। तो आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। पोल सेक्शन में अभी एक क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 112। देखें कि वृत्त की त्रिज्या और उसके द्वारा बनाया हुआ त्रिज्यखंड कौन सा है। अभी भी काफी कम लोगों के आंसर है। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान सा है। तो आपको त्रिज्या पहचानना है, फिर त्रिज्या द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड को पहचानना है, और उसका नाम आप किस तरीके से लिखोगे यह भी आपको देखना है। चलिए 5 सेकंड में पोल को एंड करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो अब चैट भी आपका ओपन है। तो देखो दिए गए वृत्त के त्रिज्या और उसके द्वारा बनाया त्रिज्यखंड कौन सा है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन में एओ की बात करो, तो एओ हमारा त्रिज्या है क्या? तो एओ को देखें तो एओ तो हाँ बिल्कुल, एओ जो भाग है यह हमारा त्रिज्या है ना, यह हमारा त्रिज्या है। उसके बाद हम डी को देखते हैं। तो है पूरी है। अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक किसी को किसका ऑन नहीं रखना है, माइक बंद रखना है हमेशा, राजकुमार के नाम से जो भी बच्चा है माइक कभी भी ऑन नहीं करना। देखो माइक का जो निशान है ना उस पे क्लिक आपको नहीं करना है। ठीक है, हमेशा देखो माइक पे कट का निशान बना रहेगा, माइक पे कभी क्लिक नहीं करना है आपको। चलिए तो देखो एओ हमारा त्रिज्या है, डी त्रिज्या है क्या? तो डी को बोलोगे, डी तो एक व्यास है, सॉरी डी व्यास नहीं, डी क्या है, जीवा है ना, डी क्या है, एक जीवा है, डी जीवा है। तो डी जीवा है तो ये तो त्रिज्या होगा नहीं, तो डी से हमें ना त्रिज्यखंड नहीं बनेगा है ना, तो हमारा ए तो सही आंसर हाँ नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखोगे तो ऑप्शन बी में भी डी आ रहा है ना, तो डी क्या है, हमारा जीवा है, तो यह भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, एओ और ओ बी। तो अगर हम चित्र में अब देखें तो एओ क्या है, एओ हमें साफ दिख रहा है यह हमारा त्रिज्या है ना, ओ बी भी हमें साफ दिख रहा है कि ओ बी भी हमारा त्रिज्या है ना, तो एओ भी त्रिज्या और ओ बी भी त्रिज्या। अब हम इस भाग को देखते हैं, एओ बी सी ए, तो ए से शुरू किया ए, फिर ओ, फिर बी, फिर सी, फिर ए है ना, मतलब इस भाग की बात की जा रही है। तो इस भाग को आप क्या कहोगे, इस वाले भाग को आप ध्यान से देखोगे तो यह दो त्रिज्या, एक एओ और एक ओबी, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यह जो भाग है
यह हमारा त्रिज्य खंड है ना, यह भाग हमारा त्रिज्य खंड है। ठीक है, ठीक है, सी ही सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये समझ में आया ना सभी को? ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान सा था, बस आपको त्रिज्या और त्रिज्यखंड को पहचानना था। अच्छा, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं समराइज कर रहा हूँ। दो चीज आपको याद रखना है, कभी भी आपको वृत्तखंड के बारे में पूछा जाए, दो चीजें हैं। वृत्तखंड अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? एक जीवा जीवा और चाप से घिर के बना होता है, लिख लो कहीं पर आप, जीवा और चाप के बीच का भाग होता है ना, जीवा और चाप के बीच के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा डी ऑप्शन भी समझा दो। ठीक है, डी ऑप्शन भी समझा देते हैं। अब त्रिज्यखंड की बात अगर की जाए, त्रिज्यखंड की बात की जाए, तो त्रिज्यखंड क्या होगा? त्रिज्या, ठीक है, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग होगा। तो ये जो चीज दो लिखी गई है काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑप्शन डी को अगर समझना चाहते हो, देखो एसी लिखा गया ना, एसी और बीसी त्रिज्या है क्या? बस इतना बताओ, एसी त्रिज्या है क्या? एसी तो हमारा त्रिज्या नहीं है ना, तो एसी जब त्रिज्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे? एसी तो त्रिज्या है ही नहीं, तो हम इसे हम कहेंगे हमारा तो आंसर तो इसी से हमें पता चल जा रहा है। हालांकि ए ओ बी सी ये क्या है? त्रिज्यखंड है, लेकिन ए सी तो त्रिज्या नहीं है ना, तो यहाँ पे त्रिज्या और त्रिज्या से बने हुए त्रिज्यखंड के बारे में पूछी जा रही थी, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता है ना। चलो, ये समझ में आया, ये सारी चीज समझ में आ गई ना। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, और ये जो टॉपिक आपका नया स्टार्ट हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वृत्त के सर्कमफेरेंस और वृत्त के क्षेत्रफल से आता है ना। चलिए, अच्छा क्या डाउट है आपका? आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? परवीन, आपका कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ लो। चलो ठीक है, ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? सर्कमफेरेंस यानी परिधि। ठीक है, अच्छा परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है। ठीक है, कहीं भी आपको परिधि लिखा दिखे या परिमाप लिखा दिखे तो बिल्कुल एक ही चीज होता है, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर बिल्कुल एक ही चीज होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आता है, लेकिन अगर वृत्त की बात की जाए तो वृत्त के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? परिधि वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, जब आप सर्कल वर्ड यूज करोगे, सर्कल के लिए हमेशा सर्कमफेरेंस वर्ड आपका यूज आएगा। लेकिन अगर कभी बोला जाए वृत्त की परिधि तो सेम चीज होगा, वृत्त का परिमाप तो बिल्कुल एक ही बात होगा, वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप बिल्कुल एक ही चीज होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बिल्कुल एक ही चीज होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो ठीक है कि बिल्कुल एक चीज होगा, आप देखते हैं कि होता क्या है, सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर होता क्या है। देखो तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो संपूर्ण वृत्त की लंबाई को ही उसके वृत्त की परिधि या सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या होता है, वृत्त की लंबाई का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर आपको एक वृत्त दिख रहा है बना हुआ है ना, एक वृत्त दिख रहा है। अब मान लेते हैं कि यह जो वृत्त है किसी तार का बना हुआ है, किसी भी वायर का बना हुआ है, पतले से तांबे का वायर जो होता है ना उसी का। ठीक है, यह तार का बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हो आप, इसको यहां से काट देते हो। ठीक है, इसको आप यहां से काट दिए, अब क्या करेंगे? इसको काट के हम लोग इसको खोल के सीधा कर दिए है ना, इसको सीधा कर दिया गया। अब अगर इस तरीके से आप करोगे तो ये जो तार की लंबाई होगी, ठीक है, इस जो तार की लंबाई होगी वही इस वृत्त की परिधि होगी। मतलब इसका ये मतलब हुआ, ये जो यहां से ये पूरा एक चक्कर का जो लंबाई होगा इस वृत्त का, ये पूरा एक चक्कर, मतलब आप इसके सीमाओं की लंबाई आप देखोगे, इसके बाउंड्रीज को आप अगर मेजर करोगे तो ये जो बाउंड्री की लंबाई होगी, इसकी सीमा की जो लंबाई होगी, वही इसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, परिधि क्या होता है ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, परिधि क्या होता है ये समझ में आया? मतलब अगर इसे काट के हम सीधा कर दें
तो जो भी तार की लंबाई होगी वही इसकी परिधि होगी, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई फील्ड है, ठीक है। आप यहां पर खड़े होते हो, ठीक है, आप यहां पर खड़े होते हो, ठीक है। आप इसके चक्कर काटते हो, ठीक है, आप इसके सीमाओं पर गोल गोल चलते हो, वापस एक चक्कर आपने लगाकर फिर वापस से इसी बिंदु पर आ गए। आपने बिंदु ए से शुरू किया और वापस बिंदु ए पर पहुंच गए, तो आपने जो भी दूरी तय की तो वही इसकी परिधि होगी। मतलब जो भी दूरी आपने तय किया एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर लगाने में जो भी दूरी आपने तय किया, ठीक है, वह दूरी क्या होगी, वह इस वृत्त की परिधि होगी, है ना। ये समझ में आया, ठीक है, क्योंकि आप इसके सीमाओं ही सीमा पर चलोगे ना, इसके सीमा पर आप चले तो इसका मतलब यह इसकी परिधि पे आप चल रहे हो। तो वृत्त की जो लंबाई होगी उसकी सीमाओं की जो लंबाई होगी, आप ऐसे भी कह सकते हो, उसकी सीमा की जो लंबाई होगी वही उसकी परिधि कहलाती है। इतना समझ में आ गया सभी को, परिधि होती क्या है, ठीक है। परिधि को ही परिमाप कहते हैं, ये भी आपको बताया गया, परिधि को ही क्या कहते हैं, परिमाप। कहीं भी परिधि लिखा जाए या परिमाप लिखा जाए बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वृत्त के केस में ज्यादातर का क्या लिखेंगे, ज्यादातर हम लोग परिधि लिखेंगे, ठीक है। परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। और दर्शाते कैसे है, तो सी लिख कर दर्शाते हैं, परिधि को हम लोग सी लिख कर दर्शाते हैं और पेरीमीटर को पी लिख कर दर्शाते हैं। तो कभी भी सी या पी लिख कर हम लोग दर्शा सकते हैं सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर को, ठीक है। अब देखो परिधि हम लोग मेजर कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये उठता है, अभी अभी आपको क्या बताया गया कि आप अगर इस पे कोई वृत्ताकार आकार का कोई प्लेग्राउंड है, कोई भी फील्ड है, आप इसके चारों ओर अगर चक्कर लगाओगे तो आप इसकी परिधि को तय करोगे, तो आपको कैसे, आप इसको मेजर कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा आपने कितनी दूरी तय की, है ना। तो इसके लिए आप इसका मेजरमेंट के लिए क्या करोगे, तो इसको मेजर करने के लिए सीधे सीधे आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको पूछा जाए कि आपने कितनी दूरी तय की, तो आप कहोगे हमने वृत्त की परिधि को तय किया, ठीक है। तो परिधि की लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, और वो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आप लोग नोट करोगे, किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी बराबर होता है 2 पाई आर। इसको नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है, इसको नोट करेंगे, इस पे क्वेश्चन अभी तुरंत पूछा जाएगा आपसे। जहां आर क्या होता है, आर इस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या है यानी रेडियस है, ठीक है। तो सी बराबर 2 पाई आर, आर क्या है, रेडियस है। अच्छा कोई बता सकता है कि पाई क्या है, पाई का मान कितना होता है, यस सर, 22/7। ठीक है, 22/7 होता है। और कुछ होता है क्या 22/7 के अलावा, 3.14 अच्छा 3.14 तो नहीं होगा, और कुछ होता है क्या, कोई और बता सकता है क्या, 3.14 तो नहीं होगा, सर, 3.47 शायद। आपने अभी तो बोला 3.47 लेकिन अभी बोला 3.14, तो ये दोनों ही गलत है, आपको बोलना चाहिए 3.14, है ना, 3.14 नहीं बोल सकते, इसलिए मैं आपको बोला गलत है ना। तो 3.14 बोलना गलत है, दशमलव के बाद कभी भी हम लोग अगर इस तरीके से लिख दें 5.728, तो इसको आप क्या बोलोगे, 5.728 आप इसको बोल दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा 5.728। तो दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उसको आपको एक एक करके पढ़ना होता है, तो इसलिए आपको बोला गया था आपका आंसर गलत है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पाई के दो मान होते हैं, एक होता है 22/7, दूसरा होता है 3.14, ठीक है, 3.14, ठीक है। तो ये दो मान होते हैं, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीज अभी आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो या ये सारी चीज कॉपी पर लिख लो, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, आर क्या है, हमारा त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। पाई कुछ भी नहीं है, एक नंबर है, जिस तरीके से 1 2 3 4 नंबर होता है ना, उसी तरीके से पाई भी एक नंबर है, इसके बारे में और भी आप डिटेल में पढ़ोगे बाद में, ठीक है।
तो पाई का मान कितने के बराबर होता है? 22/7 के बराबर होता है, या पाई का मान 3.14 के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों ही मान यूज कर सकते हैं। अब बोलोगे सर आपने तो दो दो मान बता दिए, तो मैं कौन सा एग्जाम में यूज करूंगा, 22/7 लूंगा या 3.14 लूंगा? तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, दो चीज हो सकता है, या तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में अगर 22/7 दिया रहे, यहां पर आपको सावधानी रखना है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 22/7 दिया रहे तो आपको 22/7 ही लेना है, 3.14 नहीं लोगे। ठीक है, अब अगर आपके एग्जाम में या आपके क्वेश्चन पेपर में 22/7 दिया रहेगा तो 3.14 नहीं लेना है, 22/7 ही लेना है। अब अगर आपके एग्जाम में 3.14 दिया रहेगा तब 3.14 ही लेना है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आप लोगे, और अगर नहीं दिया रहेगा तो आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो कोई भी ले सकते हो, और आपके एग्जाम में ये दोनों ही के दोनों में से कोई भी एक अगर दिए रहेंगे तो लोगे, और अदरवाइज कुछ भी ले सकते हो, दोनों ही सही है। इतना समझ में आया ना? ये सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखोगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। वाई एन लिख के बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी सीधे सीधे क्वेश्चन है आपका कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो आपको वृत्त का परिधि आपसे पूछा जा रहा है। तो चैट को मैं बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करने। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया, फॉर्मूला में आर का मान पुट करें और आंसर बताएं, कैलकुलेट करके आंसर बताएं। अच्छा, जितने भी लोग हो आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। फोर्टी फोर अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताना है ना? तो आपको पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करना है। देखो, इसलिए मैं चैट को बंद कर देता हूं ताकि कोई चैट में आंसर नहीं लिख पाए। चलो 10 सेकंड और रुकते हैं। ठीक है, 10 सेकंड में पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे, 10 सेकंड में पोल को एंड करेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक जल्दी से पोल सेक्शन में जाएं और आंसर करें। अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए हैं, ये तो क्वेश्चन काफी आसान है। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि तो आप आसानी से याद कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है। चलो 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड में पोल को एंड कर दिया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल को अब एंड किया जा रहा है और अब चैट को ओपन करते हैं, चैट में आप आंसर दे सकते हो। चलिए देखो क्या पूछा जा रहा है। वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, परिधि पूछी जा रही है, तो परिधि के लिए क्या फॉर्मूला है? परिधि का फॉर्मूला आपको अभी बताया गया, परिधि को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी बराबर क्या लिखेंगे? सी बराबर 2 पाई आर, है ना, ये फॉर्मूला सीधे सीधे। जहां आर क्या है? वृत्त का त्रिज्या है। हम कहेंगे 2 के जगह पर तो 2 ही रखेंगे। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान 2 होता है, 3.14 या 22/7। लेकिन अभी देखो क्वेश्चन पेपर में बताया गया ना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही यूज करना है। तो अभी हम 3.14 नहीं यूज करेंगे, अभी हम 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, और आर का मान कितना है? आर यानी त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको क्या दिखेगा, यह 7 से तो 7 कट जाएगा, है ना, 7 से तो 7 कट जाएगा, तो बचा 2 गुना 22। ठीक है, अब 2 गुना 22 कितना हुआ? 44। ठीक है, तो यहां पर तो 44 लिख दिया, अब उसके बाद क्या लिखे? यहां पर मैं 44 के बाद क्या लिखूं? सेंटीमीटर लिखूं, मीटर लिखूं,
किलोमीटर लिखूं क्या लिखूं ये बताओ। तो आप सभी लोग सेंटीमीटर लिख रहे हो, सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे बताओ? क्योंकि देखो त्रिज्या की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है? देखो त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया है, तो त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में है तो परिधि भी सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना? तो त्रिज्या जिस भी यूनिट में दिया रहेगा तो परिधि भी उसी यूनिट में आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया ना सभी को? अगर सभी को समझ में आ गया तो सभी लोग वाई लिखेंगे, अदरवाइज एन लिखकर अपना डाउट पूछ सकते हो। ये तो काफी आसान सा था, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अब अभी इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको देखो अभी के क्वेश्चन में क्या हुआ, आपको त्रिज्या दे दिया गया था और आपसे परिधि पूछा जा रहा था। अब जो अगले वाले, अच्छा हाँ पूछ लो क्या डाउट है, जो भी डाउट है पहले पूछ ले। अच्छा माइक ऑन करके पूछ ले। सर, वृत्त की परिधि में हमेशा सेंटीमीटर में ही संख्या दी जाती है। नहीं, यहां पर अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया है तो हमारा परिधि जो आया सेंटीमीटर में आया, जैसे 44 सेंटीमीटर। अब मान लो अगर यहां पर सेंटीमीटर के जगह पर मैं लिख दूं 15, सॉरी 15 ही नहीं लिखते हैं, मतलब 7 ही मीटर लिख देते हैं मान लो, चलो ठीक है, अगर 7 मीटर लिख देते हैं, ठीक है? तो 7 मीटर दिया जाता, अगर वृत्त की त्रिज्या जो है 7 मीटर है तो हमारा आंसर क्या होता? 44 मीटर आता, है ना? ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर रहता 7 किलोमीटर तो हमारा आंसर होता 44 किलोमीटर, है ना? जिस भी यूनिट में त्रिज्या दी रहेगी उसी यूनिट में आपका पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस या परिधि आएगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं आया बताओ? ठीक है, तो वो सिंपल सा बात है। हाँ मिलीमीटर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मिलीमीटर भी हो सकता है। देखो होता क्या है, परिधि या सर्कमफेरेंस क्या है, एक लंबाई है, ठीक है, ध्यान देना। या क्या है, बस एक सिंपल सा बात है कि यह एक लंबाई है। अब लंबाई मिलीमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, इवन फीट इंच कुछ में भी हो सकता है ना, फीट इंच में भी हो सकता है, ठीक है? आपको डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में कौन सा यूनिट यूज किया जा रहा है, ठीक है? चलिए तो अब जो अगला क्वेश्चन है, अब सारा डाउट हो गया ना, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो अगले क्वेश्चन में इस बार आपसे क्या पूछा जा रहा है, परिमाप दिया गया है यानी सर्कमफेरेंस दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है, यह बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है ना? तो अभी वाले क्वेश्चन में त्रिज्या देकर परिमाप पूछा जा रहा था, अब परिमाप देके त्रिज्या पूछी जा रही है। चलिए तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको सोल्व करने में टाइम लगे, तो अभी आपको समय भी दिया जा रहा है, सोल्व करें और फिर पोल सेक्शन में आंसर करें। अगर वृत्त की परिमाप 21 पाई है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, और आपके एग्जाम में हो सकता है कि कभी त्रिज्या देकर परिमाप पूछा जाए, कभी परिमाप देकर त्रिज्या पूछा जाए, दोनों ही चीज आपको पता होना चाहिए। अगर वृत्त की परिमाप 21 पाई है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, और काफी कम लोगों के आंसर आए हैं अब तक। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप पुट करो, ट्राई करो, जो भी आपका आंसर आता है सही या गलत आप एक बार आंसर करने की कोशिश जरूर करो, चाहे वो आंसर सही हो या गलत हो, आपको आंसर जरूर करना है।
चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना। अब यही सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, है ना। ये हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से आ जाए। चलिए 5 सेकंड और है, 5, 4, 3, 2। चलिए अब चैट ओपन है, आप चैट में आंसर भी लिख सकते हो। चलो तो देखो, यदि वृत्त का परिमाप 21 पाई सेंटीमीटर है, मतलब वृत्त का परिमाप इस वक्त दिया गया और त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन में त्रिज्या दी गई थी, है ना। पिछले क्वेश्चन में त्रिज्या देकर आपसे परिमाप यानी परिधि पूछी जा रही थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम में हमेशा त्रिज्या देके परिमाप ही पूछा जाए, है ना। हाँ फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन इस बार उल्टा तरीके से पूछा गया, मतलब इस बार आपको परिमाप देके त्रिज्या पूछी जा रही है ना। तो उल्टा तरीके से हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो इस बार लिखेंगे परिधि की जो फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला होगा सी बराबर 2 पाई आर, है ना। इतना तो समझ में आ गया कि परिधि का फॉर्मूला सी बराबर 2 पाई आर होता है। सी का मान कितना दिया गया है, सी मतलब परिधि, बार बार बताया जा रहा है ना, सी मतलब सरकमफेरेंस यानी परिधि। तो हम क्या कहेंगे, सी बराबर 21 पाई सेंटीमीटर, है ना, ये दिया गया है। तो पी सी का मान 21 पाई दिया गया है, हम क्या कहेंगे 21 पाई बराबर 2 पाई आर, है ना। यहां तक समझ में आया, मैं एक एक चीज पूछ रहा हूं, यहां तक समझ में आया नहीं ये बताओ, इस स्टेप तक सभी को समझ में आया या नहीं चैट में लिखकर बताओगे, ठीक है। अच्छा पूजा, क्या डाउट है आपका, यहां पर क्या डाउट हुआ आपका, किरण पूजा आपका क्या डाउट है ये बताओ। सर जी, वो आपने 21 पाई लिखा है ना, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा यहां पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, क्या आपने लिखा है क्वेश्चन आप पढ़ो तो, यदि वृत्त का परिमाप कितना है, 21 पाई है ना, तो वृत्त का परिमाप 21 पाई दिया हुआ है, वही मैं लिख रहा हूँ परिधि। यहाँ पर देखो परिमाप लिखूं या परिधि लिखूं, बताएगा ना एक ही चीज होता है, परिमाप या परिधि, और इसे ही हम सी लिख रहे हैं, तो सी बराबर 21 पाई लिख रहे हैं, है ना। तो सी का मान 21 पाई लिख दिया, ठीक है, यह जो सी है वही 21 पाई है, ठीक है। अब समझ में आया सभी को, ठीक है। अब देखो इसे ही हम उल्टे तरीके से, अब इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अगर x का मान y के बराबर है तो y का मान x के बराबर होगा, है ना, x अगर y के बराबर है तो y x के बराबर होगा। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 पाई आर का जो मान होगा वह 21 पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 पाई आर का मान 21 पाई के बराबर होगा। अब चलो इसको आप छोड़ो, अब मैं जो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा हूं साइड में, ठीक है, सभी लोग आंसर बताओगे, मैं जो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं 5x का मान 15 के बराबर है, तो आप बताओ x का मान कितने के बराबर होगा, ये बताओ चैट में लिखकर बताओ, 5x अगर 15 के बराबर है तो x का मान कितना होगा। ठीक है 3 के बराबर होगा, कैसे, आप कहोगे x का मान जो होगा 15/3 हो जाएगा, है ना, 15/3x नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहां से देखो अगर 5x 15 के बराबर है तो x जो होगा 15/3 हो जाएगा ना, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहां 15/5 लिखना होगा ना, 15/5, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, है ना। 3x जो भी लिख रहे हैं उनका आंसर गलत होगा, 3x नहीं लिखना है, तो 5x अगर 15 के बराबर है तो x 3 के बराबर होगा ना, 15/5 यानी 3, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं ये 2 पाई को नीचे की तरफ ले जाऊं तो r का मान कितने के बराबर होगा, 21 पाई/2 पाई, है ना। यहां तक समझ में आया, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड में है आपको इक्वल टू के उस साइड ले जाओगे तो वो नीचे जाके वो भाग में बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कटने के बाद क्या बचेगा, 21/2,
और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 21 को 2 से आप भाग दोगे तो 10.5, ठीक है। और परिधि का यूनिट जो सेंटीमीटर में है, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है तो रेडियस यानी त्रिज्या भी सेंटीमीटर में आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 10.5 सेंटीमीटर। अब बताओ ये सारी चीज समझ में आई या नहीं, कहीं पर कोई भी डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो। पहले चैट में लिखोगे फिर मैं बताऊंगा, पहले चैट में लिखोगे, अगर कोई भी डाउट हो तो पहले चैट में एन लिख दो, और अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो वाई लिखो, ठीक है। सभी लोग वाई लिख रहे हो, किसी का कोई भी डाउट नहीं है अब तक, है ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो अभी हम लोग एक होमवर्क करते हैं, ठीक है। अब होमवर्क नोट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक चीज सीखने को मिला कि एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, होमवर्क के पहले एक चीज ध्यान देख लेना, ठीक है। तो त्रिज्या देकर कभी कभी क्वेश्चन में त्रिज्या दी जाएगी और आपसे सरकमफेरेंस यानी परिधि आपसे पूछी जाएगी, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा त्रिज्या देकर आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करोगे सी बराबर 2 पाई आर और आपका आंसर आ जाएगा, नहीं ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो कई बार आपको सरकमफेरेंस यानी परिधि दे दी जाएगी और आपसे त्रिज्या का मान पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन उल्टे तरीके से भी आपसे पूछी जा सकती है, तो दोनों ही चीज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क करोगे, होमवर्क में और भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का और 8.1 एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज है, इसमें कुछ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। सही में 7.1 और 8.1